हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम अध्ययन करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के राजनीतिक और आर्थिक जीवन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के सामाजिक और धार्मिक जीवन के ऊपर चर्चा की थी। ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर 7th वीडियो है। अगर इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे, जिनमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की भूमिका, कालक्रम, उत्पत्ति और विस्तार, नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं, साथ ही महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा की थी, तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्थिक और राजनीतिक जीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, किसी भी सभ्यता या संस्कृति का जब हम आर्थिक जीवन पढ़ते हैं तो उसमें मुख्यतः हम 4 बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि वहाँ पर कृषि कैसी थी, सेकेंड पशुपालन के बारे में, थर्ड उसके उद्योग धंधों के बारे में और फोर्थ में उसके व्यापार वाणिज्य के बारे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम कृषि की बात करें तो वहाँ पर कृषि विद्यमान थी और इसके जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं हमें कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कृषि व्यवस्था विद्यमान थी। साथ ही यह जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी हुई थी। जो ये अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेके आती थी, जो काफी उपजाऊ होती थी, जो कृषि के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कृषि व्यवस्था या कृषि विद्यमान थी। अब हम चर्चा करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कृषि किस समय में करते थे, उनकी कौन कौन सी मुख्य फसलें कौन सी हुआ करती थी, साथ ही कुछ फसलें ऐसी होती थी जो केवल स्थान विशेष पे ही मिलती थी, तो वो फसलें कौन सी हुआ करती थी, वो जुताई कैसे करते थे, सिंचाई किन संसाधनों से करते थे, और सबसे अंत में हम चर्चा करेंगे उसकी कटाई की। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो किस समय में खेती किया करते थे। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो नवंबर दिसंबर से लेकर और मार्च अप्रैल के मध्य में खेती किया करते थे। अर्थात इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो रवि की फसल के जानकार, रवि की फसल से वो परिचित थे। अब हम चर्चा करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन कौन सी फसलों से परिचित थे। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जिन फसलों से परिचित थे उनमें से जो मुख्यतः आ जाती है, एक तो आ जाती है आपकी गेहूं आ जाती है, दूसरी जौ आ जाती है, तीसरी कपास आ जाती है, चौथी खरबूज आ जाती है, पांचवी आ जाती है तरबूज आ जाती है, छठी मटर आ जाती है, राई आ जाती है, सरसों है और तिल। इन फसलों, ये जो 9 फसलें हैं, ये मुख्यतः देखी गई हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रत्येक नगर में इनके साक्ष्य मिल जाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो देखिए, गेहूं और जो के साक्ष्य मिलते हैं हमें हड़प्पा से मिलते हैं। हड़प्पा का जो एफ टीला होता है, वहां पर जो गोल चबूतरे बने हुए थे, वहां से हमें गेहूं और जो के साक्ष्य मिलते हैं। अगर हम बात करें अच्छे किस्म के जौ की बात करें तो इसके साक्ष्य हमें बनवाली से मिल जाते हैं। कपास के साक्ष्य हमें मोहनजोदाड़ो से मिलते हैं। लेकिन कुछ फसलें ऐसी थी जो स्थान विशेष पे होती थी, तो उनमें से जो मुख्यतः फसल आ जाती थी उनमें एक तो आ जाती है चावल। देखिए, चावल के जो साक्ष्य हैं हमें वो लोथल से मिलते हैं। इसके अलावा रंगपुर से मिलते हैं, रंगपुर में धान की भूसी के ढेर मिले हैं। दूसरी जो फसल थी वह थी बाजरा, इसके साक्ष्य मिलते हैं हमें लोथल से। तो ये कुछ ऐसी फसल थी जिनका साक्ष्य हमें केवल स्थान विशेष से ही मिलता है। अब हम चर्चा करेंगे ये लोग जुताई कैसे करते थे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जुताई के साक्ष्य कहाँ से मिले। जुताई के हमें साक्ष्य मिले हैं, खेतों की जुताई के साक्ष्य, वो मिले हमें कालीबंगा से। कालीबंगा में खेतों की जुताई के साक्ष्य मिले हैं, उनमें जो रेखाएं थी वो एक दूसरे को समकोण पर काट रही थी। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि वो एक साथ दो फसल का उत्पादन करते थे। अब बात करते हैं कि वो कौन से साधन का प्रयोग करते थे जुताई के लिए। तो देखिए, वो मुख्यतः लकड़ी का हल है उसका प्रयोग करते थे जुताई के लिए। और ये मिट्टी के बने हल है और एक खिलौना है जो लकड़ी के हल का प्रतिरूप है। और ये मिला है हमें बनवाली जो हरियाणा में पड़ता है, यहाँ से हमें ये मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अलावा ये हमें मिले हैं चोलिस्तान पाकिस्तान में है। ये थार के रेगिस्तान का वह हिस्सा है जो पाकिस्तान में आ जाता है, तो वहाँ से हमें ये मिट्टी के बने हल मिले हैं। तो इस आधार पर इतिहासकारों का कहना था कि ये लोग लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे और हल को चलाने के लिए प्रयोग करते थे वृषभ का,
बैल का प्रयोग करते थे, जिसकी हमें मृण मूर्तियां जगह जगह से प्राप्त हुई हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि ये लोग सिंचाई कैसे करते थे। देखिए, सिंचाई जो मुख्यतः दो तरीके से की जाती थी, एक तो कुओं से की जाती थी और एक की जाती थी नहरों से। कुओं के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो और अन्य बहुत सारे शहरों से मिले हैं। नहर की साक्ष्य की बात करें तो ये मुख्यतः मिले हमें शोरतगोई से मिले, शोरतगोई से जो अफगानिस्तान में है, यहाँ से हमें नहरों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त नहरों के साक्ष्य हमें बनवाली से भी मिले हैं, बनवाली से भी नहरों के साक्ष्य मिले हैं, साथ ही बनवाली से हमें तालाब के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये हो गई इनकी सिंचाई व्यवस्था की बात। अब हम चर्चा करते हैं कि ये लोग कटाई कैसे करते थे। देखो, कटाई के लिए क्या करते थे, ये जो लकड़ी है, लकड़ी के हत्ते में ये पाषाण यानी पत्थर का जो फलक होता था उसको फंसाते थे, पत्थर के फलक को फंसाते थे और उससे ही अपनी कटाई करते थे। लेकिन कुछ स्थानों पर देखने में आया है कि धातु के औजारों का भी प्रयोग करते थे, जिसका ये चित्र आपके सामने दिया हुआ है। तो इस प्रकार के धातु के औजारों का प्रयोग भी ये कटाई के लिए करते थे। अब हम चर्चा करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पशुपालन के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पशुपालन का महत्व क्या था। महत्व की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है कृषि में। कृषि में हलों को चलाने के लिए बैल का यूज किया जाता था। दूसरा आ जाता है परिवहन के साधनों में, तो परिवहन के साधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता था। तीसरा आ जाता है पशु के क्रय विक्रय के रूप में, उस समय वस्तु विनिमय विद्यमान था तो क्रय विक्रय के रूप में पशुओं का प्रयोग भी करते थे। चौथा आ जाता है भोजन के रूप में, इनसे हमें मांस प्राप्त होता था, दूध प्राप्त होता था, दही प्राप्त होता था, तो इन सब के लिए पशुओं का प्रयोग किया जाता था। दूसरा हमारा बिंदु है कि इन्हें कौन कौन से पशुओं की जानकारी थी। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मुख्यतः जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बैल हो गया, बकरी हो गया, कुत्ता है, बिल्ली है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप राइट डाउन कर ले। इसके अतिरिक्त हाथी है, बाघ है, भैंसा है, गेंडा है, हिरण हो गया आपका, ऊंट हो गया, घोड़ा हो गया, तो इन सब जानवरों की इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को जानकारी थी। और ये जानकारी हमें प्राप्त होती है मुख्यतः दो चीजों से, एक तो मोहर से, मोहर पर इन जानवरों का अंकन किया गया है। दूसरा हमें प्राप्त होता है कि उत्खनन में इनकी हड्डियों के साक्ष्य मिले, तो इस आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि ये लोग इन जानवरों से परिचित थे। अब देखिए, हम चर्चा करेंगे कुछ जानवर ऐसे थे जिनका इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोहरों पर अंकन नहीं है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इनसे परिचित थे, उनकी मोहरों पर इनका अंकन नहीं किया गया है। तो इस प्रकार के जो जानवर आते थे उनमें मुख्यतः तीन थे। एक तो हो गया ऊंट, जिसके साक्ष्य हमें मिलते हैं कालीबंगा से इसके हड्डियों के साक्ष्य मिले हमें, लेकिन ऊंट का किसी भी मोहर पर अंकन नहीं मिला है। दूसरा हो जाता है गाय, गाय का भी किसी भी मोहर से अंकन नहीं मिला है, जबकि यहाँ के लोग इससे परिचित थे, लेकिन अंकन नहीं है, मोहर पर अंकन नहीं है। तीसरा आ जाता है घोड़ा, घोड़ा का भी किसी भी मोहर पर अंकन नहीं मिला है, और इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो हमें तीन जगह से मिलते हैं। एक तो हमें मिलते हैं सुरकोतड़ा से, दूसरे हमें मिलते हैं लोथल से घोड़े के साक्ष्य, और तीसरे हमें मिलते हैं घोड़े के साक्ष्य राणा गुंडई से। देखिए, सुरकोतड़ा से तो हमें इसका कंकाल मिला है, अस्थियां मिली हैं, लोथल से इसका घोड़े का जबड़ा मिला है, और राणा गुंडई से घोड़े के दांत मिले हैं। तो ये तीन पशु ऐसे हैं कि जिनका किसी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोहर पर अंकन नहीं मिला है, लेकिन इनके हड्डियों के रूप में साक्ष्य मिले हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पशु या जानवर है जिनका इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोहर पर अंकन नहीं हुआ है। इसके अलावा हम एक पशु की ओर बात करते हैं, वह है सिंह। देखिए, सिंह का ना तो मोहर पर अंकन मिला है, ना तो मोहर पर अंकन है, और ना ही यहाँ के लोग इनसे परिचित थे, क्योंकि इसका कोई हमें साक्ष्य नहीं मिला है, ना इसकी हड्डियां मिली हैं। लेकिन हम यहाँ पर सिंह का चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इसी की एक समकालीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया की जो मोहर है वहां पर हमें सिंह का अंकन मिलता है, तो इसीलिए सिंह का हमने यहाँ पर जिक्र किया है। अब हम चर्चा करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे प्रमुख पशु कौन था। तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे प्रमुख पशु माना गया है वह माना गया है एक सींग वाला बैल माना गया है, और ये एक सींग वाला बैल है, जिसे हम यूनिकॉर्न भी कहते हैं, ये मिला है इनके मोहर पर, इनका बहुत बार अंकन हुआ है। ये इसका एक काल्पनिक पशु माना जाता था, ये मोहर दी हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सींग वाले बैल का अंकन किया हुआ है। अब हम चर्चा करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के उद्योग धंधों की। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मुख्यतः चार प्रकार के उद्योग थे, एक कपड़ा उद्योग, दूसरा मृदभांड उद्योग, तीसरा होता था मन का उद्योग, और चौथा हो गया सीप उद्योग। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कपड़ा उद्योग की चर्चा करते हैं। देखिए, कपड़ा उद्योग में मुख्यतः दो प्रकार के उद्योग थे, एक तो ऊनी और एक सूती वस्त्र उद्योग।
यहाँ पर ये सूती वस्त्र उद्योग है, ये काफ़ी फेमस था सूती वस्त्र उद्योग। और ये भी हमने देखा था पिछले वीडियो में कि दो प्रकार के मिलते थे वस्त्र यहाँ पे, एक तो सादा मिलते थे और उच्च वर्ग के जो लोग होते थे ये कढ़ाईदार वस्त्र पहनते थे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सर्वाधिक जो निर्यात करते थे वह सूती वस्त्र का ही करते थे। अब हम चर्चा करेंगे इनके मृदभांड उद्योग के। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मृदभांड मिले हैं हमें, मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं वो मिले हैं हमें लाल रंग के मिले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी के बर्तन हैं ये लाल रंग के हैं और इनके ऊपर काले रंग का डिजाइन मिलेगा, काले रंग का डिजाइन मिलेगा। तो इस प्रकार के जो बर्तन हैं ये मृदभांड हैं हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिले हैं। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में मुख्यतः तीन प्रकार के आपको पात्र या बर्तन देखने को मिलेंगे, एक मिट्टी से बने जिन्हें हम मृदभांड कहते हैं जो सर्वाधिक मात्रा में मिले हैं, दूसरे हमें धातु से बने बर्तन भी मिले हैं जिनमें मुख्यतः तांबा या कांसा होता था, और तीसरा हमें जो बर्तन मिले हैं वो मिले हैं फायोंस के। ये हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, केवल महानगर होते थे उन्हीं में देखने को मिलते थे और उनके भी केवल दुर्ग या जो घड़ी टीला होता था उनमें देखने को मिलते। तो ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर ये धातु का चित्र दिया हुआ है, एक तांबे का बना धातु का चित्र दिया हुआ है, दूसरा ये यहाँ पर एक फायोंस का चित्र दिया हुआ है, फायोंस से बने एक पात्र का चित्र दिया हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीन प्रकार के जो बर्तन बनते थे, पहले जो मिट्टी के जिन्हें हम मृदभांड कहते हैं, दूसरे हो गए धातु के और तीसरे हो गए फायोंस के। और जो मिट्टी के बर्तन होते थे ये हाथ द्वारा निर्मित होते थे, इसके अलावा ये चाक द्वारा, दोनों प्रकार से इनका निर्माण किया जाता था, हाथ के द्वारा भी और चाक के द्वारा भी। अब हम चर्चा करेंगे मनका उद्योग के बारे में। देखिए जो मनका उद्योग है, मनका उद्योग के जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो मिले हमें दो जगह से, एक तो चनूदड़ों से मिले हैं और दूसरे मिले हमें लोथल से। यहाँ पर मनके बनाने की फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, कारखाने हुआ करते थे, यहीं से हमें बहुत सारे मनके प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मनके बनाने के औजार भी प्राप्त हुए, मनके बनाने के औजार भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और ये मनके होते थे ये मुख्यतः जैसे कार्निलियन पत्थर के बनाए जाते थे, जैस्पर के बनाए जाते थे, जैस्पर के अंदर अतिरिक्त स्फटिक के, क्वार्टज के, सैल खड़ी के भी बनाए जाते थे, ये चार्ट नामक पत्थर के बनाए जाते थे, सोना चांदी तांबा शंख, तो इन सभी धातु और पत्थरों से ये मनके बनाए जाते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मनका उद्योग है ये काफ़ी विकसित था। अब हम चर्चा करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के शिप उद्योग की। देखिए शिप उद्योग है ये मुख्यतः दो स्थानों पर आपको मिलेगा, बालकोट और नागेश्वर। बालकोट और नागेश्वर ये दोनों ही समुद्र के समीप स्थित स्थल हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के समुद्र के समीप स्थल है, यही कारण है कि यहाँ पर आपको शिप उद्योग मिलेगा। अब हम चर्चा करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के व्यापार और वाणिज्य की। व्यापार वाणिज्य को हमने कुछ भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसके व्यापार की दशा और दिशा की चर्चा करेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन कौन सी वस्तुओं का आयात करते थे, फिर हम चर्चा करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन कौन सी वस्तुओं का निर्यात करते थे, फिर हम चर्चा करेंगे कि कौन से परिवहन के साधनों का प्रयोग करते थे व्यापार के लिए, और अंत में हम चर्चा करेंगे इनके क्रय विक्रय के माध्यम का, इनके क्रय विक्रय के लिए कौन से माध्यम का प्रयोग करते थे। तो सबसे पहले बात करें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के व्यापार की दशा दिशा की बात करें, तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो व्यापार था यह काफ़ी अच्छी अवस्था में था। अच्छी से हमारा तात्पर्य है कि जो व्यापार था वो सिंधु घाटी सभ्यता के पक्ष में था, इसका विदेशों से भी व्यापार था जो इसके पक्ष में होता था, अर्थात जो भुगतान संतुलन था, भुगतान संतुलन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पक्ष में था। और यदि हम बात करें व्यापार की दशा और दिशा की, तो यहाँ पर जो आपको आंतरिक व्यापार जिसे अंतर्राज्यीय व्यापार कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दोनों के ही साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करें आंतरिक व्यापार की तो ये मुख्यतः होता था खेतड़ी से होता था, जहाँ से ये लोग तांबा मंगाते थे, कश्मीर से होता था और काठियावाड़ से, यहाँ से ये लोग बहुमूल्य पत्थर मंगाते थे। बलूचिस्तान से हम इसके साक्ष्य मिले हैं, इसके साक्ष्य हमें मिले हैं दक्षिण भारत से मिले हैं, जहाँ से ये लोग सोना मंगाते थे। तो आंतरिक व्यापार यहाँ से होता था। अब हम चर्चा करते हैं इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसका जो समकालीन सभ्यता है एक मेसोपोटामिया, यहाँ से इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और ये जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं ये मुख्यतः मोहर से प्राप्त होते हैं। कैसे? देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मोहर थी ये वर्गाकार थी, इसे आप समझें, और जो मेसोपोटामिया की मोहर थी ये बेलनाकार हुआ करती थी, तो मेसोपोटामिया की मोहर तो हमें बहुत सारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थल है जैसे लोथल है और मोहनजोदाड़ो मुख्यतः यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। तो इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि इनका
इंडस वैली सिविलाइजेशन से व्यापारिक संबंध था, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो वर्गाकार मोहर है यह हमें मेसोपोटामिया के बहुत सारे नगरों से प्राप्त हुई है, तो ये इसका प्रमुख साक्ष्य हो जाता है। दूसरा, ये जो व्यापार मिस करते थे वह करते थे मिस्र से, मिस्र भी इनकी समकालीन सभ्यता थी। इसका साक्ष्य मिला हमें मम्मी के मॉडल के रूप में, और ये मम्मी का जो मॉडल है ये मिला है हमें लोथल से मिला है। तीसरा, जो ये व्यापार करते थे मुख्यतः ये करते थे फारस की खाड़ी से। फारस की खाड़ी में एक द्वीप है बहरीन, वहाँ से इनका व्यापार होता था। और इसके जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो मिले हमें सारगोन अभिलेख से। सारगोन अभिलेख से ये लगभग 2350 ईसा पूर्व पुराना अभिलेख है, और ये मेसोपोटामिया का अभिलेख है, मेसोपोटामिया का अभिलेख है। और इस अभिलेख में तीन स्थलों का जिक्र किया गया है, मेलुहा, मगन और दिलमुन। तो यहाँ पर जो मेलुहा शब्द है ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रयोग हुआ है, मगन शब्द है ये ओमान द्वीप के लिए प्रयोग हुआ है जो बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, और दिलबुल शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर बहरीन के लिए। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का जो व्यापारिक संबंध था ये मेसोपोटामिया, मिस्र और फारस की खाड़ी से था, जिसके साक्ष्य हमें मुख्यतः मिलते हैं मोहर से मिलते हैं, मिस्र के साक्ष्य मम्मी के मॉडल से मिलते हैं, और फारस की खाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं हमें सारगोन अभिलेख से। अब चर्चा करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन कौन सी वस्तुओं का आयात करते थे। तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ये मुख्यतः जो आयात करते थे ये बहुमूल्य पत्थरों का करते थे। ये पत्थर मंगाते थे कश्मीर और काठियावाड़ से। सोना आ जाता था कोलार यानी दक्षिण भारत से आता था, मुख्यतः कर्नाटक से। तांबे का जो आयात है ये खेतड़ी राजस्थान से करते थे, और विदेश से हम बात करें तो ओमान से करते थे। देखिए, ओमान का जो तांबा है इसमें जो निकिल के अवशेष मिले हैं वही अवशेष आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो तांबे का प्रयोग किया है उसमें मिले हैं। तो इस आधार पर जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर जो तांबा है वो ओमान से मंगाया जाता था। लाजवर्द की बात करें तो ये बदख्शां अफगानिस्तान से आता था। चांदी और शीशा है ये ईरान और अफगानिस्तान से आता था। तो ये कुछ बहुमूल्य वस्तुएं हैं जिनका इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग आयात करते थे। अब हम चर्चा करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन कौन सी वस्तुओं का निर्यात करते थे। तो देखिए, यहाँ पे सीप उद्योग काफ़ी अच्छी अवस्था में, तो सीप का ये बने सामान थे उनका निर्यात करते थे। हाथी दांत का पैमाने का निर्यात करते थे, या अन्य हाथी दांत की जो वस्तुएं बनती थी उनका निर्यात करते थे। सबसे जो प्रमुख उद्योग था इनका सूती वस्त्र उद्योग था, और एक था मन का उद्योग। तो इन सब वस्तुओं का ये निर्यात किया करते थे, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं इनके परिवहन के साधनों की चर्चा करते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, इनके परिवहन के साधनों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जलमार्ग और स्थल मार्ग दोनों से ही इनका व्यापार चलता था। जलमार्ग के हमें साक्ष्य मिलते हैं लोथल से, लोथल से एक हमें बंदरगाह मिला है। इसके अलावा एक मिट्टी की नाव मिली है लोथल से, मिट्टी की नाव मिली है हमें लोथल से, तो ये नाव के माध्यम से व्यापार करते थे। इसके अतिरिक्त एक सुमेरियन नाव मिली है, और ये सुमेरियन नाव मिली हमें मोहनजोदड़ो से। ये सब हमें जल मार्ग के साक्ष्य मिले हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जल मार्ग से व्यापार करते थे। स्थल मार्ग के हमें साक्ष्य मिले तांबे की एक इक्का गाड़ी मिली है, और ये इक्का गाड़ी मिली है हमें हड़प्पा से। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लोग स्थल मार्ग से व्यापार करते थे, और व्यापार के लिए इक्का गाड़ी का प्रयोग करते हैं। कई जगह मिट्टी के खिलौने मिले हैं गाड़ी के रूप में, मिट्टी के खिलौने मिले हैं गाड़ी के। तो इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग व्यापार के लिए जलमार्ग और स्थल मार्ग का दोनों का प्रयोग करते थे। स्थल मार्ग है जो इनका आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग होता था, और जल मार्ग है ये इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रयोग होता था। अब हम बात करेंगे इनके क्रय विक्रय के माध्यम की। देखिए, क्रय विक्रय के माध्यम में हम मुख्य तौर पर इनके बाट और पैमाने का, मोहर और लिपि का अध्ययन करेंगे। ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान से देखना। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसके बाट की। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमें बाट मिले हैं ये चार्ट नामक पत्थर के बने होते थे, और ये एक कठोर पत्थर होता था, और ये बाट होते थे ये घनाकार होते थे, घन के आकार में होते थे। आप यहाँ पर इनके कुछ चित्र दिए हुए हैं वो देख सकते हैं। और इनका जो प्रयोग है ये मन के और आभूषण तोलने में किया जाता था, आभूषण तोलने में किया जाता था। और इनका जो मानदंड मिला हमें 1, 2, 4, 8, 16 इस तरह के अनुपात में इनका मानदंड हमें मिला है। अब बात करें हम पैमाने की, तो देखिए पैमाने के जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं हमें एक तो लोथल से मिले हैं। लोथल में हमें हाथी दांत का पैमाना मिला है, हाथी दांत का पैमाना मिला है,
जो कि 16 के गुनज में था। इसके अलावा हमें साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदाड़ो से, मोहनजोदाड़ो से हमें सीप के बना पैमाना मिला है, और हड़प्पा से हमें मिला है एक संख का बना पैमाना मिला है। तो यहाँ पर पैमाना के साक्ष्य मिले हमें, तो इन सब जगह से हमें पैमाने के साक्ष्य मिले हैं। अब हम चर्चा करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोहर की। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोहर थी, ये सैल खड़ी नामक पत्थर होता था और ये एक मुलायम पत्थर होता था, इससे बनाई जाती थी। आकार की बात करें तो देखिए, आकार में हुआ करती थी वर्गाकार हुआ करती थी, जिसका एक चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वर्गाकार, और कुछ मोहरें आपको आयताकार भी मिली, जबकि मुख्यतः जो मोहरें होती थी वो होती थी वर्गाकार होती थी। इन मोहरों की एक विशेषता थी कि इनके ऊपर लिपि लिखी होती थी और नीचे जानवर के चित्र बने होते थे। जबकि इससे विपरीत अगर हम बात करें मेसोपोटामिया की, तो यहाँ की जो मोहरें होती थी ये बेलनाकार होती, ये सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर है। और अभी तक जो हमें टोटल जो मोहर मिली हैं उनकी संख्या है 2500। लेकिन अगर बात करें सर्वाधिक मोहरों की, तो सर्वाधिक मोहरें हमें मिली हैं मोहनजोदाड़ो से, मोहनजोदाड़ो से हमें सर्वाधिक मोहरें मिली हैं और इनकी संख्या है 1200। और यदि हम बात करें सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरों की, तो देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए, तो वो मिली हमें हड़प्पा से, ऐसी मोहरें जिन पर अभिलेख लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मोहर है, इस पर अभिलेख लिखा हुआ है, तो इस प्रकार की जो अभिलेखीय मोहरें हैं वो सर्वाधिक मिली हमें हड़प्पा से। और सभी प्रकार की मोहरें जिनमें अगर टोटल मोहरों की बात करें जो सर्वाधिक मिली हैं, वो मिली हमें मोहनजोदाड़ो से, चाहे वो अभिलेख वाली हो चाहे बिना अभिलेख वाली हो। यहाँ पर देखो एक चित्र दिया हुआ है, ये मुद्रा के द्वारा मुद्रांकन किया हुआ है। देखिए इसका तात्पर्य क्या होता था, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो व्यापारी थे, वो जब व्यापार के लिए एक सामान दूसरे स्थान पर भेजते थे, तो एक थैले के ऊपर गारा लगाकर और उस पर ये मोहर का मुद्रांकन कर देते थे, मुद्रांकन कर देते थे। इस प्रकार से मुद्रांकन का चित्र दिया हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य होता था, जब सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचता था, अगर मुद्रा टूटी हुई नहीं है तो मतलब सामान के साथ छेड़खानी नहीं की गई, और यदि टूटी हुई है तो सामान के साथ छेड़खानी की गई है। तो इन मोहर का जो मुख्यतः प्रयोग किया जाता था ये मुद्रांकन में किया जाता था। अब हम चर्चा करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि है, इसके बारे में सबसे पहले हमें पता चला था 1853 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के द्वारा पता चला था। और अभी तक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि है इसको हम पढ़ नहीं पाए, ये अपठनीय है। इसके अंतर्गत हमें 375 से लेकर लगभग 400 चिन्ह मिले हैं, और इन चिन्हों में बात करें तो जो सर्वाधिक चिन्ह है ये अंग्रेजी के जो यू आकार का बना हुआ है, ये चिन्ह सर्वाधिक मिला है। यहाँ पर चित्रों की बात करें तो जो मछली का जो चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर मछली का जो चित्र दिया हुआ है ये सर्वाधिक मात्रा में मिला है। देखिए ये एक लिपि चित्राक्षर लिपि थी, यानी चित्र के माध्यम से इसमें कुछ समझाया गया है, और इसी कारण इस लिपि को नाम दिया गया है बुस्ट्रोफेदन लिपि। इसे भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं और बुस्ट्रोफेदन लिपि भी कहा जाता है। और इस लिपि को जो लिखने का तरीका होता था, ये लोग दाएं से बाएं लिखते थे, और फिर इनकी जो सेकंड लाइन होती थी फिर वो बाएं से दाएं होती थी। तो ये हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि हो गई। और इसी के साथ हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो आर्थिक पक्ष है वो समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो राजनीतिक जीवन है इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, और उसका जो रीजन है कि इसकी जो लिपि है वो अपठनीय है। लेकिन फिर भी इतिहासकारों में कुछ मतभेद हैं, विद्वानों में वो अलग अलग हैं। जैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ पर कोई शासक नहीं था, सभी समान स्थिति में थे, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ पर कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे शासक थे। जैसे हड़प्पा का शासक अलग था, मोहनजोदाड़ो का शासक अलग था, तो अलग अलग शासक हुआ करते थे। और कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ पर एक ही राज्य था, मतलब एक ही शासक हुआ करता था, जिनको इन्होंने दी है पुरोहित राजा की संज्ञा दी है। तो इनमें जो तीसरा विकल्प है ये तर्कसंगत माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने देखा कि एक ही प्रकार की ईंटे का प्रयोग हुआ है, एक ही प्रकार के बाट हैं, एक ही प्रकार की मोहर है, और एक ही प्रकार की उनकी नगर नियोजन है। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये सब सारी व्यवस्था तभी पॉसिबल है जब एक ही राज्य रहा हो और इनका शासक भी एक ही रहा हो।
अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जैसे कुछ विद्वान और उनके मत हैं जिनके जिन्होंने उन्होंने मत दिया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस प्रकार का शासन हुआ करता था। हंटर के अनुसार यहाँ पर प्रजातांत्रिक शासन हुआ करता था। एक प्रतिनिधि शासन के जो पक्षधर हैं वो मेके हैं। पुरोहितों का शासन होता है, इसके पक्षधर हैं वो पिगट है। और मध्यम वर्गीय प्रजातंत्र का शासन था, इसके पक्षधर हैं वो व्हीलर हैं। तो इतनी ही जानकारी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के राजनीतिक जीवन के बारे में मिलती है। तो इस वीडियो में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के राजनीतिक और आर्थिक जीवन के ऊपर चर्चा की, और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन कैसे हुआ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।